दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का शिक्षक शिक्षा में क्रियान्वयन पाठ्यचर्या प्रारूप एवं विकास के विशेष संदर्भ में सोमवार को संवाद भवन में शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय संगोष्ठी की संयोजक प्रोफेसर सुषमा पांडे ने किया। विषय प्रवर्तन सह संयोजक डॉक्टर राजशरण शाही ने किया और प्रोफेसर गौर ने आभार ज्ञापन किया। अतिथि परिचय एवं स्वागत भाषण कार्यक्रम संयोजक प्रोफेसर हिमांशु पांडे ने किया। उद्घाटन सत्र के उपरांत प्रथम तकनीकी सत्र की अध्यक्षता प्रोफेसर शैलजा सिंह व पूर्व अधिष्ठाता एवं अध्यक्ष शिक्षा शास्त्र विभाग ने किया। इस दौरान विशिष्ट अतिथि महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी बिहार के प्रोफेसर आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि आजादी के 7 दशकों के बाद भी हम गुलामी के प्रभाव से बंधे हुए हैं, जिसका प्रभाव हमारी शिक्षा पद्धति पर भी रहा है। इस अवसर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय शिक्षा संकाय के सभी शिक्षक छात्र एवं विभिन्न महाविद्यालयों के प्राचार्य विभागाध्यक्ष शिक्षक और छात्र मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राष्ट्रीय संगोष्ठी की संयोजक प्रोफेसर सुषमा पांडे ने कहा। हम लोग जो भी है वो अपने गुरुओं की बदौलत हैं और ऐसे गुरु का ही मार्गदर्शन पाकर निश्चित तौर पर हम लोग अपने इस पथ पर अग्रसर होंगे, ऐसी हमें पूरी आशा है। मैडम का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ और जैसा मैं आपसे बता रहा था कि मैं सरका सीवी देख रहा था इंटरनेट पर और मैं सर के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। प्रोफेसर श्रीवास्तव सर के बारे में आप MSc मैथमेटिक्स MH फिलोसफी एंड PhD हैं। आप यूनिवर्सिटी डिग्री कॉलेज लखनऊ यूनिवर्सिटी MIT यूनिवर्सिटी लखनऊ विश्व भारती सेंट्रल यूनिवर्सिटी पश्चिम बंगाल में एज ए लेक्चरर एंड एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में काम कर चुके हैं और वर्तमान समय में आप महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी बिहार में प्रोफेसर हेड एंड डीन के पद पर आसीन हैं। कहानी भी है, कहानी के पीछे संदेश भी है, सार भी है और मुझे लगता है कि इस कहानी से नई शिक्षा नीति को हम अध्यापक शिक्षा में और अध्यापक शिक्षा में क्यों कहूँ, क्योंकि अब हम शिक्षा को अलग अलग अंगों में ना देखकर होलिस्टिक एजुकेशन में देख रहे हैं। इसकी बात करें एक ऊंट का व्यापारी होता है, वो ऊंट का व्यापार करने जा रहा होता है, सबके साथ बहुत सारे ऊंटों को लेकर जा रहा होता है। रास्ते में शाम हो जाती है, रात होने वाली होती है, वो एक सराय पर जाता है, सराय में रुकता है, सराय के मालिक से कहता है कि मुझे रात में रुकना है, क्या आप मेरे ऊंटों के रुकने की व्यवस्था कर देंगे? तो कहता है ठीक है मैं कर दूंगा। फिर वो सराय का मालिक आता है, अपने साथ कुछ रस्सियां लेके आता है, चूंकि मैं हिंदी बेल्ट में बोल रहा हूँ सिर्फ मान के चल रहा हूँ कि रस्सी और फूटा आप जानते होंगे। तो अपने साथ बहुत सारी रस्सियां लेके आता है, बहुत सारे फूटे लेके आता है, जमीन में फूटा गाड़ता है, उसमें रस्सी बांधता है, उस रस्सी को ऊंट के गले में बांधता है, फिर दूसरे ऊंट के पास जाता है, फूटा गाड़ता है, रस्सी बांधता है, रस्सी को ऊंट के गले में बांधता है, ऐसे करते 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 वो आखिरी ऊंट तक पहुंच जाता है। आखिरी ऊंट पर जब पहुंचता है उसका फूटा और रस्सी दोनों खत्म हो जाते हैं। अब जो मैं कहना चाहता हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुनिए तो संदेश स्पष्ट होगा। तो जो ऊंट का व्यापारी होता है परेशान होता है, कहता है भैया आपके पास तो ना ऊंट बचा है रस्सी, तो ऊंट मेरा सुरक्षित है, वो कहता है चिंता मत करो मैं इसको बांधता हूँ। सराय का मालिक वो फूटा लेता है जो उसके हाथ में है ही नहीं और उस फूटे को जो उसके हाथ में है ही नहीं जमीन में गाड़ता है, फिर वो रस्सी लेता है जो उसके हाथ में है ही नहीं, उस रस्सी को उस फूटे पे बांधता है जो फूटा है ही नहीं, और फिर उस रस्सी को जो है ही नहीं उस ऊंट के गले में बांधता है, उनको बिठा देता है। रात बीतती है, सुबह होता है, व्यापारी आता है, ऊंट को खोलने की प्रक्रिया शुरू होती है और वैसी प्रक्रिया होती है, ऊंट से रस्सी खुल जाती है, फूटे से रस्सी खुल जाती है, फूटा उठाया जाता है, ऊंट को उठाया जाता है, करते करते वो आखिरी तक पहुंचता है और आखिरी वाले को डायरेक्टली उठाने की कोशिश करता है, वो नहीं उठता, तो फिर वो सराय के मालिक के पास जाता है और कहता है कि वो आखिरी वाला ऊंट नहीं उठ रहा है, बाकी सब तो खड़े हो गए। तो सराय का मालिक कहता है क्या आपने उसकी रस्सी खोली, आपने उसका ऊंटा उठाया? तो कहता है क्या मजाक कर रहे थे, तो बने नहीं, तो कहता नहीं मैं चलता हूँ। फिर वो सराय का मालिक आता है
और वो रस्सी होता है उनके गले से जो उनके गले में है ही नहीं, वो खूंटा उखाड़ता है जो है ही नहीं, और फिर मोहन को खड़ा करता है, मोहन खड़ा हो जाता है। ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई, आ जाने 1947 से पहले मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, 1947 से पहले मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। 1947 से लेकर अब तक 7.5 से ज्यादा दशकों में हमने बहुत सारी गलतियां की हैं, हमने बहुत सारी भूलें की हैं, हमने बहुत सारे ब्लंडर्स किए हैं, और इन ब्लंडर्स से कहीं ना कहीं हम अपने आप को उन रस्सियों से बंधा हुआ पाते हैं जो असल में है ही नहीं, उन खूंटों से बंधा हुआ पाते हैं जो असल में है ही नहीं। इसलिए भी मैं कहता हूं कि जो हमारा और मैं सिर्फ कॉलोनियल पीरियड से लेकर के जो हमारा कॉलोनियल पीरियड है वहां से लेकर के अगर मैं आज जब हम कह रहे हैं कि हम नव उदारवाद से प्रभावित हैं, न्यू लिबरलिज्म से प्रभावित हैं, इस 200 वर्षों के अंदर हमारी कल्चर, हमारी सिविलाइजेशन, हमारी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं जो कहानी सुनाई उस खूंटे और रस्सी से बनकर रह गई है। हमारी जो स्वतंत्र चेतना है उस स्वतंत्र चेतना को बहुत बड़ा आघात पहुंचा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जब से आई है 29 जुलाई 2020, तब से हम सब एक यूफोरिया फेस कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि ये पॉलिसी बहुत एम्बिशियस है, ये होलिस्टिक एजुकेशन की बात करती है, मल्टीडिसिप्लिनरिटी की बात करती है, और ये पॉलिसी एक सामंजस्य से खड़ा करती है प्राचीन भारतीय संस्थानों के बीच में और 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बीच में, 21वीं सदी की जरूरतों के बीच में। और अगर आपने ये पॉलिसी पढ़ी हो, और अगर नहीं पढ़ी है तो मेरा विशेष आग्रह होगा कि इस पॉलिसी के डॉक्यूमेंट को, जो कि सिर्फ 66 पेजेस का है, एक बार आप जरूर पढ़िए। ये पॉलिसी चार भाग में बांटी गई है। पहला भाग स्किल एजुकेशन का है, दूसरा भाग हायर एजुकेशन का है, तीसरा भाग अदर की एरियाज ऑफ फोकस का है, और चौथा भाग हाउ टू मेक इट हैपन, कैसे इसको हम समर्थ संभव बनाएंगे उसका है। तो इन चार भागों में बांटा गया है, इसको जरूर देखिएगा। आप देखेंगे तो आप इसको शुरुआत में पाएंगे ये प्राचीन भारतीय संस्थानों से इनपुट ले रही है, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4। और मुझे लगता है कि इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं ये सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में जानते होंगे। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 में आइडेंटिफाई किए गए हैं, और ये माना गया है कि ये सारे गोल्स आपस में इंटीग्रेटेड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। और जब मैं कहता हूँ इंटीग्रेटेड है, इसका मतलब ये है कि एक गोल के ऊपर काम करने से उसका असर बाकी सारे उद्देश्यों के ऊपर भी पड़ेगा। ऐसे में ये जो पॉलिसी है ये गोल नंबर 4 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 मेरा प्रोफेसर सुषमा पांडे, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से मैं हूँ, आचार्य हूँ, और इस कार्यक्रम की मैं सहसंयोजक हूँ। इस कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर हिमांशु पांडे सर है, मेरे साथ सहसंयोजक के रूप में डॉक्टर राजशरण शाही जी हैं, और इसके आयोजन सचिव जो है डॉक्टर ब्रिजेश कुमार पांडे जी हैं। ये हमारी टीम है जो इसको पूरे को आयोजित कर रही है। देखिए, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय एवं विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में ये एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हो रहा है, जिसका विषय नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अध्यापक शिक्षा में कार्यान्वयन, और ये पाठ्यक्रम विकास और निर्माण के विशेष संदर्भ में इस पर इसका आयोजन हो रहा है। इसमें दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग, इससे इसके साथ संबद्ध जितने भी प्रशिक्षण महाविद्यालय हैं उनके शिक्षक, उनके प्रशिक्षक और उनके जो है प्रधानाचार्य, हम लोग एक साथ प्रतिभाग कर रहे हैं। और इसमें हमारे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति जी, उन्होंने उनकी अध्यक्षता रही उद्घाटन सत्र में, और दो मूल रूप से विषय विशेषज्ञ हमारे अभी तक तीन रहे, प्रोफेसर कैलाश शर्मा जी जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर है और विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान के अध्यक्ष हैं, और प्रोफेसर सुभाष चंद्र अग्रवाल जी जो अधिष्ठाता हैं शिक्षा संकाय कानपुर विश्वविद्यालय कानपुर के, और साथ में आशीष श्रीवास्तव जी, प्रोफेसर आशीष श्रीवास्तव जो अध्यक्ष हैं शिक्षा विभाग
बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी बिहार के, तो यहाँ से ये विशेष विशेषज्ञ आए हैं। और उसके साथ में अभी थोड़ी देर में समापन सत्र में हमारे छात्र जो है वो बतौर अध्यक्ष जुड़ेंगी, विशिष्ट व्याख्यान के लिए जुड़ेंगी। हमारे साथ प्रोफेसर कल्पलता पांडे मैडम जो कुलपति हैं और हमारे ही विषय की हैं और जननायक विश्वविद्यालय बलिया से। तो आज हम लोग पूरे समय इस बात पर चर्चा करेंगे कि आर्थिक भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो पूरी की पूरी शिक्षक प्रशिक्षण व्यवस्था है उसका हम नई शिक्षा नीति के अनुरूप कैसे कार्यान्वयन करेंगे, उसमें कौन सी चुनौती होगी, कौन सी संभावनाएं होंगी, हमें कौन कौन से काम करने पड़ेंगे, क्या हमारे प्रयास होंगे, शिक्षकों की क्या भूमिका होगी, प्रशिक्षकों की क्या भूमिका होगी, इसी पर हम लोग विस्तार से ये कहिए कि जो शिक्षा व्यवस्था से संबंधित जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो इसमें हैं, विद्यार्थी हैं, शिक्षक हैं, अभिभावक हैं, प्राचार्य हैं, अब समुदाय हैं, समाज के लोग हैं, हम लोग मिल करके इसी पर आज पूरे दिन इसी पर चर्चा करेंगे। और ये आज हमारा 5 से 5:30 बजे शाम तक ये चलेगी चर्चा।